क्या मामला है पूरा ये? घटना तो ये देखिए 7 तारीख की है, 7 सितंबर की शाम को लगभग 5-6 बजे की घटना है कि जो पीड़िता है, तो पीड़िता के पिताजी से कुछ नाराजगी की वजह से वो दूसरी जगह रहते हैं, तो उनकी तबीयत खराब थी, तो उसकी माता जो है उससे मिलने गई थी मुबारकपुर। तो वहाँ से जब वापस आई हैं तो बच्ची घर में नहीं थी, बच्चा था, 2 ही लोग थे। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा तो बगल में बच्ची जो है पड़ी हुई थी, बिल्कुल खून से लथपथ थी। तो उसको डॉक्टर के वहाँ लेके गए लोग, तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में फौरन पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और लेके गई सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल ने उसको रेफ़र कर दिया आजमगढ़ के हॉस्पिटल में। आजमगढ़ हॉस्पिटल ने रात भर उसकी देखभाल की, मगर उसने भी रेफ़र कर दिया BHU में। तो पिछले 10-12 दिनों से वहीं BHU में ही इसका, उसके ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा था। और बच्ची जो है बुरी तरह से जख्मी है, उसका यूट्रस फट गया है और उन्होंने ऑपरेट करके यूट्रस को निकाल दिया है, और उसके लेट्रिन और जो यूरिनल का जो रास्ता होता है, तो दोनों रास्ता एक हो गया है फट के। तो अब डॉक्टरों ने अलग से एक रास्ता उसका बनाया है कमर के नीचे एक होल करके, तो उधर ही से वो लेट्रिन और पेशाब उस बच्ची की बाहर आ रही पाइप के जरिए। लेकिन अभी 15 दिनों बाद फिर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिस ऑपरेशन से उसके रास्ते को सीधा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंदर अभी पूरा जख्म है। तो ये हाल है, और पुलिस की लापरवाही का ये आलम है कि आज तो पुलिस कुछ एक्टिव दिखी है, लेकिन 10-12 दिनों से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ एक दो लोगों को ले गई, वहां के लोगों का कहना है कि कोई, अब उसमें क्या सही है क्या गलत, लेकिन उसकी माँ का बताना है कि कोई एक आदमी का नाम वो बता रही थी, कोई एक आदमी उस समय आते जाते वहां कुछ लोगों ने उसको देखा था। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं, और इतने दिन बीत गए और उसके बाद इतनी दुस्साहक घटना, किस तरह देखते हैं इसको? अब ये तो बहुत समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है ना, क्योंकि आप देखिए जो लोग तो डिस्कवरी चैनल या बहुत सारे जो प्लैनेट चैनल देखते हैं, जिसपे जानवरों का सब चीजें दिखाई जाती हैं, तो आप कभी नहीं देखते होंगे कि कोई जानवर, जिसको कहते हैं कि हैवान, कोई जानवर भी किसी नाबालिग के साथ ये हरकत नहीं करता है, वो भी उसके बालिग होने का इंतजार करता है। इंसान कितना आखिर गिर गया है कि उसे ये भी पता नहीं है कि बच्ची की उम्र क्या है या वो उस काम के लायक है कि नहीं। जानवरों जैसा बर्ताव किया गया, जैसे ऐसा लगता है कि उसकी यूट्रस के अंदर कोई लोहे की चीज डाल के उसको, जैसे एक और घटना हुई थी निर्भया वाले जो घटना हुई थी, उस तरह की घटना करने का प्रयास किया गया है। मगर फिर भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो उसमें जागरूकता नहीं है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। सरकार ने अभी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि इस प्रकार में जो पीड़ित होगा उसे मुआवजा दिया जाएगा, और FIR होते ही उसी दिन 25% उसके मुआवजे की रकम दे दी जाएगी। आप लोगों ने टेलीविजन वगैरह में, अखबारों में पढ़ा होगा और देखा होगा, मगर आज तक बच्चे को किसी तहसील का कोई अधिकारी यहां बच्ची की खबर भी लेने नहीं आया, जबकि घटना उसी 7 तारीख को दर्ज हो गई है। तो समाज में भी एक जागरूकता ले आने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की हरकतें लोग क्यों कर जाते हैं। और पुलिस प्रशासन और सरकार को भी, इतनी गंभीर घटनाएं हो रही हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आ रहा है, मगर उसके बावजूद भी इतना समाज में बिगाड़ जो पैदा हो रहा है, तो सरकारों को चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई उचित कार्रवाई करें।